अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हमदाबासी व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी थोड़ा बहुत ठीक हूँ। आपके भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है तो व्लॉग इसलिए मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया। मैंने कहा यार व्लॉग बना लेते हैं, बस जो चाय लेकर आई थी मैंने बोला चलो चाय वाय पीते हैं, थोड़ा फिर एनर्जी आएगी फिर व्लॉग बनाते हैं। तो चाय में आज हमारे पास है फ्रेंच टोस्ट है और चाय बच्चों ने बनाई है। आपको पता है फ्रेंच टोस्ट आपके भाई को कितने पसंद है, तो मैंने बोला यार जल्दी से अभी ये खाते पीते हैं। और अम्मी भी घर में नहीं थी। हाँ अम्मी के साथ आज हम लोग एक प्रैंक करने वाले हैं। तो अभी अम्मी गई हैं बाहर सौदा लेने। अम्मी सौदा लेकर आती हैं तो फिर हम प्रैंक स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए आप भाई के चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना भाई, ठीक है। और इस वीडियो पे कमेंट लाजमी करना कि नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए हमारी। तो अभी ये पहले पूरा कंप्लीट व्लॉग देख लो, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैमरा सेट कर देता हूँ। अम्मी शायद आने वाली होंगी, काफ़ी देर से गई हुई है, तो मैं जल्दी से कैमरा वैमरा सेट करके रख देता हूँ। देखो अम्मी कहाँ आने वाली होंगी, 5-6 मिनट की वीडियो एक्स्ट्रा बन जाएगी। खैर है मैं कैमरा तो सेट करूँ ताकि उनको शक ना। कि भाई ने लोकेशन बिल्कुल मतलब जो है ना, मैंने बिल्कुल अपना कैमरा फिक्स कर दिया एक जगह पर, बस अम्मी का वेट करते हैं। तो अभी अम्मी का वेट करते हैं। A few inches later. ये आई मैं डबल रोटी, कितने चक्कर लगवाती हो तुम भी मेरे। ये लिया अम्मी, तो वो लिया अम्मी। अम्मी इधर आए, इधर आए। क्या है भाई, क्या तुम क्या कह रहे हो मुझे? इधर तो आए, बात सुने। क्या बात सुना रहे? इधर बैठ। क्या कह रहे हो बताओ, क्या कह रहे हो मुझे? आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? एक बात है। तेरी बात है यही खत्म होती है हमसा भाई। हाँ बता दे क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी, बात खत्म नहीं होती। क्या बात, तो सुनो मेरी। हाँ सुनाओ। तहम्मुल से सुनोगी? हाँ तहम्मुल से सुनूंगी। क्या ड्रामे खत्म नहीं होते? मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, मेरी कब कर रहे? जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। अभी तो तुमसे बड़े भाई बैठे हैं, दो बड़े भाई। भाई मुझे अभी, मैंने एक लड़की पसंद करी है। कौन लड़की पसंद कर ली? वाह भाई वाह, तुम तो ऐसी लड़की पसंद करते रहते हो। ये लड़की पसंद कर ली मैंने, वो लड़की पसंद कर ली। भाई लड़की है। कौन लड़की है? मुझे अच्छी लगती है। कौन लड़की है मुझे भी तो बताओ, तो करवा दूंगी। नहीं भाई मैं शादी नहीं करवाऊंगी अभी जब तक दो मेरे बड़े भाई बेटों की नहीं होगी शादी। अच्छा तो उनकी कभी शादी नहीं होगी तो क्या मेरी भी शादी नहीं होगी? शादी करते हैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मेरी बात की शर्म? तुम तो छोटे हो अभी, तुमसे बड़े बैठे। कितना छोटे हो, दाढ़ी आ गई, मूंछ आ गई, कितना छोटे हो, समझ रहे हो? तीन तुमसे छोटे बैठे हुए, बड़े बैठे हुए। छोटे है ना, बड़े गलती से निकल गया। तीन तुमसे अभी बड़े भाई बैठे हैं, तो पहले उनका होगा फिर तुम्हारा नंबर आएगा। पहले मेरा नंबर इंशाल्लाह। नहीं भाई नसीब की बात होती है, कभी कभार किसी की जल्दी भी हो जाती है। कौन लड़की है मुझे भी तो दिखाओ ना, ऐसी क्या जल्दी है? मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे पसंद की। नहीं नहीं मैं जॉब वाली लड़कियों को नहीं करूंगी मैं शादी, बिल्कुल भी जॉब वाली लड़की से शादी करूंगी। वो इंसान नहीं होती। नहीं भाई नहीं, जॉब वाली लड़कियों से मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जॉब वाली लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। कोई घरेलू लड़की देखो, अच्छी शरीफ लड़की। तो घर में कैसे गारंटी है कि घर वाली लड़की शरीफ होगी? क्यों, घर के अंदर गारंटी होती है, घर से बाहर थोड़ी जाएगी, वो घर में रहेगी। उसे और अगर मैंने बोला मैंने घर वाली लड़की पसंद करी है? तो मेरा तो इरादा बिल्कुल भी नहीं है, घर वाली से भी नहीं, घर वाली से भी नहीं है जब तक मेरे दो बेटों का बड़ों की शादी नहीं होगी। तो मतलब मैं अगर उन दो की नहीं होगी तो मेरी भी नहीं होगी? नहीं क्यों नहीं होगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी तुम्हारी। तो मैंने जो एक लड़की पसंद करी है वो नहीं देगी? अरे वो लड़की से नहीं कर रहे मैं। क्यों, क्या तुझे शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई को छोड़ कर? पहले तू शादी कर रहा है तो क्या शर्म इसमें? और क्या इसमें शर्म ही है और क्या? आप सारे शर्म की भी हदीस है, अगर कोई लड़की पसंद आए तो उससे शादी कर लो। क्या मैं बुरखा उतार रही हूँ मैं? भाई मेरी पहले बात सुने। क्या सुनो? मैं कल मैंने उनके घर वालों को बोल दिया कि कल अम्मी आएंगी। मैं तो नहीं जा रही। तो आपने तो बोला था तुम कोई लड़की देख लो मैं चली जाऊंगी। मैंने ये बोला था चली जाऊंगी देखने के लिए, मगर अभी नहीं, पहले दो बड़े बेटों की होगी उसके बाद। घर वालों को मैंने फोन करके बोल दिया कि कल अम्मी आएंगी देखने। नहीं भाई मैं आप और बच्चों चले जाओ, मैं देखने जाओ ना, बच्चों जाएगी ना मैं देखने जाऊंगी। नहीं भाई मैं तेरी यार अम्मी ये तो बात ही है यार, तूने ऐसे ही फैसला कर लिया बगैर इजाजत। तूने मुझे बोला था कि ना तुम देख। मैंने नहीं बोला तेरे को कि तू लड़की देख, मैंने अभी तेरे को थोड़ी बोला है कि लड़की देख। जब मैंने वहाँ पे बात कर ली। नहीं भाई इंतजाम कर लिया, इंतजाम क्या इंतजाम कर लिया, हम नहीं जाएंगे, इंतजाम कर लिया। तो
यार ये तो कोई बात नहीं, होने तो बात, बात खराब करा रही हो। कोई बात खराब नहीं होती, कोई ऐसा इंतजाम नहीं करा होगा ना, बात खराब होगी तो चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे दो बेटों का रिश्ता नहीं होगा, जब तक मैं जा ही नहीं सकती। अच्छा लड़की तो देख लो, लड़की मैं नहीं देख रही, ये मेरा मोबाइल मैं दिखाऊंगा, तुम मोबाइल देख रहे, लड़की मैं नहीं देख रही, मैं नहीं देख रही, ये तो देखो। नहीं नहीं नहीं, मुझे लड़की नहीं देखनी, मेरे को लड़की नहीं देखनी भाई, अभी जब तक नहीं देखूंगी जब तक दो का रिश्ता तय नहीं करूंगी। अरे यार लॉक भी नहीं खुल रहा आपके चक्कर में, मेरे तो हाथ पैर टेंशन से। नहीं भाई नहीं, ये देखो। नहीं नहीं, मैंने देख लिया, हटा यहां से, हटा हटा, मैं फेंक दूंगी मोबाइल को, देख ले, मैं नहीं एक नजर भी नहीं देखूंगी, मैं नहीं देख रही लड़की वाली। मैं जब कह दिया ना, मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा, आपने जब मुझे बोला था, आपने जब मेरे को बोला था कि तुम अपनी पसंद से कर लो, जब मैंने देख ली तो आप क्यों नहीं जा रही हो, काहे को रोड़े डाल ली हो? नहीं मैं, मैंने रोड़ा नहीं डाल ली, मैं करूंगी तुम्हारी शादी में, मगर अभी नहीं करूंगी जब तक उनकी, और अभी मैं नहीं जा रही कल, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे हो रहा है पैरों में दर्द, मैं नहीं जाऊंगी, मैं लड़की वड़की देखने नहीं जाऊंगी, पहले दो बड़े भाइयों की करूंगी उसके बाद जाऊंगी, बस मैंने कह दिया, फैसला कर ले तो खुद ही, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं तो मैं तेरे रख के मुंह पर चाटा मारूंगी। हमजा मेरे को देख के गुस्सा नहीं दिला ज्यादा, हर वक्त यही कहता रहता है मेरा रिश्ता कर दो, मेरी बात पक्की कर दो, भाई कोशिश में तो लगी भी हो ना, मैं पहले तेरे दो बड़े भाइयों की होगी उसमें बाद में तेरी होगी। अच्छा मुझे जाने दे बुरखा उतारने के लिए, मैं बुरखा उतार रहा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। और वो लोग जो हमारे पे इंतजाम करेंगे भाई, करने दो उन्हें इंतजाम, वो तुमने किससे पूछ के इंतजाम करवाया है, किससे पूछा, मेरी इजाजत दी जा तो अकेले इंतजाम कर लिया तो अकेले ही चल जाना, खुद ही देख कर आ जाओ, कहना हमारी अम्मी अम्मी नहीं है, हमारे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला ही आ गया हूँ बस। यार अम्मी ये तो कोई बात नहीं, नहीं ये कोई बात क्यों नहीं हुई, ये क्या बात हुई? आपने मुझे बोला कि तुम अपनी मर्जी से कर लो, अब मैंने जब अपनी मर्जी से कर ली तो मैंने उन लोगों को बोल दिया, तो अब माँ देखने भी नहीं जा रही। नहीं मैं देखने नहीं जाऊंगी जब तक, यानी कि मेरे दो बड़े बेटों का नहीं होगा, जब तक अगर उनका होगा नहीं तो क्या मेरी भी नहीं होगी भाई? क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो क्यों नहीं होगा, उनका होगा, उनका होगा क्यों नहीं होगा, क्या बड़े बेटों का नहीं होगा क्या? हद हो गई, अल्लाह ताला ने सबके जोड़े उतारे हैं, सबका रिश्ता होगा। तो मैं ना कोई खाना खाऊंगा ना मुझसे आप, ये तो कोई बात नहीं, खाने क्यों नहीं खाएगा भाई तू, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, खाना नहीं खाएगा, ऐसा नहीं खाना खाने वाला, पिटाई करूंगी मैं तेरी अगर खाना नहीं खाएगा तो, खाने ने क्या बिगाड़ा है भाई, जो कोई है ताना खाने, बुरखा उतार लिया, मैं बैठी तेरे पास, कल नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं मैं कल बल नहीं जाऊंगी यार अम्मी, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बुरखा उतार रही हूँ बस, मैं नहीं जा रही। प्रैंक हो रहा था आपके साथ, ये क्या प्रैंक कर रहा है? क्या प्रैंक कर रहा था मेरे साथ? पता नहीं लगा आपको? नहीं मुझे तो पता ही है, मैं तो समझी ऐसे ही कह रहा है। तो अच्छा अगर मैं पसंद कर लूंगा तो आप नहीं जाओगी? नहीं। क्यों? नहीं जाऊंगी। तो आप जो बोल रही थी मैं तुम्हारी पसंद से कर दूंगी, वो तुम्हारी पसंद से कर दूंगी मगर दो भाइयों के बाद, अभी नहीं करूंगी। यार आपके बगैर मैं जा सकता हूँ? नहीं मेरे बगैर क्यों जाएगा। प्रैंक था भाई, प्रैंक था, और अम्मी इस प्रैंक में फंस गई है। अच्छा आपको नहीं पता लगा सामने कैमरा रखा हुआ? नहीं मुझे पता ही नहीं। इट्स अ प्रैंक वीडियो भाई, आप लोगों को अगर पसंद आई है ना तो लाइक ठोको जल्दी जल्दी, और बताओ और कौन से प्रैंक करने हैं। ऐसे ही बेवकूफ मैं अपनी अम्मा को बनाता रहूंगा भाई, मेरी अम्मा की फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरी अम्मा ही पसंद करेंगी, मेरी अम्मा ही देखेंगी, मेरी अम्मा ही अपनी बहू लेकर आएंगी और कोई नहीं आ सकती अदरवाइज। प्रैंक थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि मेरी अम्मा बहुत सीधी सादी है, वो फौरन भागे जा रही थी, मैं बहुत कोशिश करी कि मैं उन्हें रोक लूं नहीं रोक पा रही थी, खैर है, लेकिन ये है कि भाई मेरी अम्मा की ही पसंद से ही इस घर में लड़की आएगी। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। प्रैंक बहुत मजेदार लगा होगा, बहुत ज्यादा। तो भाई अब बताओ नेक्स्ट प्रैंक कौन सा होना चाहिए, आई एम वेटिंग।